हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर सी ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। वॉल्यूम्स हमारे पास गिवन है फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो हमें पॉसिबल उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। लेकिन याद है क्या है, क्यूबॉइड। वी नो दैट सॉल्यूशन में आप जानते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है हमारे पास। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास किस केस में आएगी, मल्टीप्लाई फॉर्म। इट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा और फिर इसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो फर्स्ट फॉर्म हमारी होगी एल, सेकेंड बी एंड थर्ड एच। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए थे कि एरिया फाइंड करना रेक्टेंगल के एरिया, तो गिवन जो पॉलीनोमियल थी उसको रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ऑफ एरिया, रेक्टेंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो उसको हमने चेंज किया था गिवन इक्वेशन को, ऐसे हमें यहाँ भी चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब देखिए इस केस में इसके फैक्टर थर्ड टर्म्स तो हमारे पास है नहीं, टू टर्म्स है। इसी केस में हमारे पास इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे 3x। 3x कॉमन लेने पर हमारे पास ये बचेगा, देखिए जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसी का ही हम डिवाइड करके जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको राइट करते हैं। 3x स्क्वायर में कॉमन 3x का डिवाइड किए तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, तो क्या बचे है 1x माइनस 12x में 3x का डिवाइड किया, x से x कैंसिल, 12 में 3 का डिवाइड किया 4, ये बचेगा हमारे पास। अब देखिए ये मल्टीप्लाई फॉर्म में 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 4, तो रिक्वायर्ड जो डायमेंशन है गिवन ये वॉल्यूम है हमारे पास, वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। इट मीन्स 3 हमारे पास ये एल इंटू बी इंटू एच इस फॉर्म में राइट किया, तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 3, ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगी एक्स एंड हाइट एक्स माइनस 4। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास डायमेंशन है पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर एल इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू एक्स एंड एच इक्वल टू एक्स माइनस 4, that is answer। ऐसे हमें सेकेंड पार्ट करना है। यहाँ पर सेकेंड पार्ट हमारे पास गिवन है वॉल्यूम 12ky² प्लस 8ky माइनस 20। इसमें देखिए कॉमन k आ रहा है हमारे पास, 4k आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि 4 का डिवाइड 12 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है और 20, तो हमने कॉमन लिया वॉल्यूम एज इट इज राइट किया, 4k कॉमन लिया हमारे पास अंदर बचेगा, जो कॉमन लेते हैं उसी का डिवाइड करके रिमेनिंग टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर राइट करें। 12ky² में 4k का डिवाइड किया, 3 कैसे k कैंसिल y² प्लस 8ky में 4k का डिवाइड किया, कैसे k कैंसिल, 8 में 4k डिवाइड किया 2 माइनस का साइन, 20k में 4k का डिवाइड किया, कैसे k कैंसिल, 20 में 4k डिवाइड किया तो 5। अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गई, इसके फैक्टर करना आप जानते ही, तो इसके हम फैक्टर करेंगे, ये एज इट इज चलेगा हमारे पास वॉल्यूम 4k ब्रैकेट। अब देखिए फैक्टर करना हमें आते ही फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स को डिग्रीजिंग डिग्री के अकॉर्डिंग पहले से अरेंज, इसको अरेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास,
तो फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² - 5 यार रफ में करके देखते हैं, 3y² - 5 करके देखा हमने, तो ये आया हमारे पास माइनस का 15y². अब जो मिडिल टर्म है इस हमारे पास 2y, इसके टू पार्ट्स कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास माइनस 15y² आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर प्लस 2y आना चाहिए क्योंकि प्लस का 2। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज कर, अब देखिए स्प्लिट द मिडिल टर्म में 2y के दो पार्ट्स हम ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 15y आना चाहिए और ये प्लस माइनस करने पर तो 2y आना चाहिए, तो हमारे पास ये होगा 5 and 3y। देखिए साइन हमें ओवरऑल रियल किसका चाहिए, प्लस 2y बचना चाहिए, इसका मतलब बड़ी वाली डिजिट के साथ प्लस का साइन और छोटी वाली डिजिट के साथ माइनस का। चेक करके देखते हैं, देखिए 5y में से 3y माइनस किया तो प्लस का 2y ये बच रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 15y², तो ये दो पार्ट्स होंगे, इसको राइट कर देते 3y² + 5y - 3 - 5। आप इसको कैसे भी राइट कर सकते हैं, माइनस 3y को पहले लिख दो, प्लस 5y को बाद में लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ये वॉल्यूम 4k ब्रैकेट, अब देखिए 2-2 के पेयर बनाते हैं, इसके बाद हम फर्स्ट पेयर में कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास y कॉमन है, तो y कॉमन भी हम जो चीज कॉमन लेते हैं उसी के डिवाइड करके अंदर राइट करते हैं, 3y + 5 ब्रैकेट क्लोज। सेकंड पेयर में से कॉमन आ रहा है हमारे पास माइनस का साइन तो यूज करेंगे ये वाला, लेकिन 1 कॉमन है माइनस, अब देखिए जो चीज कॉमन लेते हैं उसी को अंदर वाले पेयर में डिवाइड करते हैं, माइनस 3y में माइनस 1 का डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का 3y, ऐसे माइनस 5 में माइनस 1 का डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। वॉल्यूम 4k ब्रैकेट 3y + 5 दोनों में कॉमन है, 3y + 5 कॉमन लिया हम, y - 5 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए वॉल्यूम हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वॉल्यूम 4k मल्टीप्लाई 3y + 5 मल्टीप्लाई y - 1 और वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, l मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, इट मीन्स ये फॉर्म होगी हमारे पास l इंटू बी इंटू एच की फॉर्म, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारी, तो वॉल्यूम तो ये हमारे पास इसकी जो एक्सप्रेशन है क्यूबॉइड की अकॉर्डिंग, तो हमारे पास ये l इक्वल टू 4k हो जाएगा, l इक्वल टू 4k यहाँ पर राइट कर देते हैं आंसर, और b इक्वल टू जो ब्रेथ है हमारे पास 3y + 5 एंड हाइट h = y - 1 दैट इज आंसर।